क्या कभी इस बात पर मर्डर हो सकता है कि पहले गोलगप्पे कौन खाएगा, मगर दिल्ली के स्वरूप नगर में गोलगप्पे के विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले हुई ऐसी ही एक हत्या की पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में एक युवक को लात घूंसे से मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन युवकों के बीच गोलगप्पे खाने को लेकर बहस हुई थी। तस्वीरों में सुनील नाम का शख्स ठेके से शराब खरीदता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वो एक चाट के ठेले पर जाता है। वहां एक मैकेनिक से बहस के बाद अपने एक साथी के साथ मिलकर युवक को अधमरा कर देता है, जिसके बाद में अस्पताल में मौत हो जाती है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि मृतक का नाम इरफान है। जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो सुनील और लकी नाम के दो लड़कों को उसने गिरफ्तार कर लिया है। एक महीने में मेरे दो भाई की डेथ हुई है। मेरी अम्मी का क्या हाल होगा? कोई मेरा भाई वापसी करेगा क्या? मेरे को कोई करेगा? मेरी दो भाभी बेवा हो गई हैं। मेरे भाई को मर्डर किया गया है। मैरिज दो बच्चे थे उनके। 11 दिन पहले एक और लड़का हुआ था बेचारे का। जो डिजीज है और उसका फ्रेंड, ये दोनों पहले गोलगप्पे खाने उसके पास गए हुए थे, और उसके बाद जो है ये अक्यूज्ड जो सुनील है और उसका साथी जो बाद में पकड़ा गया लकी, ये भी वहाँ पर आ गए। तो पहले लेने के ऊपर जो है कि गोलगप्पा जो है पहले मुझे दे, उस तरह की बात जो सामने आई कि वो जो अक्यूज पार्टी वो बोल रहे थे कि मुझे दे, और जो डिजीज्ड है डिजीज पार्टी बोल रहे थे मुझे दे गोलगप्पे, इस बात को लेकर उनकी खास सुनी हुई। तो तस्वीरों में जब देखा गया, जो सीसीटीवी तस्वीरें आई इसमें सुनील नाम का शख्स ठेके से शराब खरीदता दिख रहा था, जिसके बाद वो चाट के ठेले पर जाता है। वहां मैकेनिक से बहस होती है, उसके बाद एक साथी के साथ मिलकर युवक को अधमरा कर दिया जाता है और अस्पताल में मौत हो जाती है। छानबीन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि मृतक का नाम इरफान है।